हाल ही में वुहान वायरस से उबरने के पश्चात भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को अपना साक्षात्कार दिया। इस साक्षात्कार में उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे गए, चाहे वह बिहार चुनाव से संबंधित हो या फिर भारत चीन के बॉर्डर पर तनातनी के विषय पर। इस साक्षात्कार में अमित शाह ने एक तीर से दो निशाने साधते हुए न केवल चीन को उसकी औकात बताई बल्कि ममता बनर्जी को भी कड़ी चेतावनी दी। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के विषय पर सर्वप्रथम राज्य में कुप्रबंधन के लिए ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया परंतु कोई ढंग की व्यवस्था नहीं की गई, अनाप शनाप बजट घोटालों में चला गया, केंद्र की ओर से जो अनाज भेजा गया वो भी घोटालों की भेंट चढ़ गया, कोरोना के लिए भी जिस प्रकार के बंदोबस्त होने चाहिए थे वह नहीं हुए। परंतु वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, राज्य में कानून व्यवस्था तितर बितर हो गई है, बम बनाने के कारखाने हर जिले में हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक लोकतंत्र के लिए यह है कि विपक्ष के नेताओं की हत्याएं की जा रही है। भारत के किसी और राज्य में ऐसा नहीं होता, पहले केरल से ऐसी घटनाएं सामने आती थी लेकिन अब वहां पर भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद जब अमित शाह से पूछा गया कि पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग के बारे में वे क्या सोचते हैं, शाह ने स्पष्ट कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो वहां पर काम कर रहे हैं तो स्थिति के हिसाब से उनकी मांग उचित है। अमित शाह ने कहा, भाजपा और अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों को वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार इस बारे में संविधान और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेगी। हम आशा करते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बदलेगी और भाजपा सत्ता में आकर सरकार का गठन करेगी। हम समझते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में एक दृढ़ लड़ाई लड़ेंगे और हम सरकार गठित करेंगे। अमित शाह के इस इंटरव्यू को देखने के बाद अवश्य ही ममता बनर्जी के प्रशासन में भय का माहौल होगा, जो पहले ही भाजपा के चुनाव की तैयारियों को लेकर डरी हुई है। इसका उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला था जब तेजस्वी सूर्या बंगाल गए थे। अमित शाह ने अपने बयान में सीधे ममता बनर्जी को चेताया है कि अब भी राज्य में उनकी तानाशाही जारी रही तो केंद्र सरकार सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि ममता अकेली व्यक्ति नहीं थी जो अमित शाह के निशाने पर थी। न्यूज 18 से साक्षात्कार के दौरान अमित शाह से जब चीन के विषय पर पूछा गया कि इस समय सरकार का चीन के साथ गतिरोध पर क्या नीति अपनाई जा सकती है, तो अमित शाह ने दो टूक उत्तर दिया, हमारी जमीन का एक इंच भी कोई नहीं छीन सकता, मोदी सरकार अपने देश की धरती के हर इंच की सुरक्षा के लिए सतर्क है और इसे हमसे कोई नहीं ले सकता। सरकार चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध हल करने के लिए हर मुमकिन सैन्य और राजनयिक विकल्प आजमाएगी। हमारे सुरक्षा बल और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा में पूरी तरह सक्षम है। सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सच कहें तो एक ही साक्षात्कार में अमित शाह ने चीन और भारत में अपने विरोधियों विशेषकर ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह ने चीन और ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में शासन को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, जहां उनके अनुसार भारत अपने बाहरी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वहीं अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय अपने विरोधियों को भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे।